हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, मेरे यूट्यूब पर मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया है कि सर, मैं पिछले 10 सालों से एंजाइटी से परेशान हूं। मुझे हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। मेरे हाथों पाँव में कंपन से होने लग जाते हैं, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, मेरी सांस में तकलीफ होने लग जाती है, और ये जो सिर दर्द है ये तो पिछले 10 सालों से मुझे ऐसा लगता है कभी रुका ही नहीं, हर वक्त दर्द करता रहता है। और पिछले 10 सालों से मैं दवा खा रही हूँ और बहुत सारी जगहों से मैंने इलाज लिया, पर फिर भी मुझे इस एंजाइटी के अंदर कोई रिलीफ नहीं मिलता। दरअसल मेरे आसपास की जो भी सिचुएशंस है वहाँ मैं हमेशा चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहती हूँ, अच्छा रखना चाहती हूँ, लेकिन आसपास में मेरे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो मेरे मन में चुभ जाती है, जो मेरे दिमाग से नहीं निकल पाती, वो वहाँ पड़ी रहती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब लोग ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिसकी वजह से वो मेरे दिमाग में फंस जाती है, रुक जाती है, और फिर मैं उन चीज़ों से हमेशा परेशान होती रहती हूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसा इलाज बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि जिससे मैं अपने आसपास के लोगों को ठीक कर लूँ। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो वो सही बातें बोलेंगे, तो मेरा मन भी ठीक रहेगा, मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चुभेगी नहीं, मेरी कोई बात ऐसी चुभेगी नहीं। ये एक प्रश्न पूछा है और इसका जवाब मांगा है। तो दोस्तों, अगर हमें इस चीज़ से बाहर आना है, अगर हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है कि किसी की बात हमें चुभे ना, तो सबसे पहला जो हमें काम करना है, पहले तो हमें इस प्रॉब्लम का कारण ढूंढना है कि इस समस्या का कारण ढूंढना है। ये जो एंजाइटी है, इस एंजाइटी का कारण क्या है? अब इसको यूं समझिए कि जैसे मान लो कि आपके पास एक ताला है और उस ताले को खोलने के लिए आप अभी तक 99 चाबियां यूज कर चुके हैं और आपको यूं लग रहा है कि अभी तक ये ताला खुला नहीं। तो वो नहीं खुलेगा अगर उसके अंदर गलत चाबी हम लगातार लगाए जा रहे हैं। जब तक उसकी सही चाबी नहीं लग जाएगी तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। हम पिछले 10 सालों से एंजाइटी से पीड़ित हैं। अगर हम इस एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं तो हमें इसकी राइट प्रॉब्लम को खोजना पड़ेगा। जब तक हम सही समस्या को नहीं खोजेंगे तब तक हम इस एंजाइटी से बाहर नहीं आएंगे। जब तक उस ताले में उस ताले की सही चाबी नहीं लगेगी तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। तो हमें जो आप 10 साल से जो इस समस्या से परेशान है, इसमें आपको इसका राइट कारण खोजना पड़ेगा। अब अगर राइट कारण के ऊपर हमारा फोकस हमेशा यही रहा कि जो मेरे आसपास के जो लोग हैं उन लोगों की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं तो हमेशा एकदम साफ मन की हूँ और साफ मन का हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आसपास वाले कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं, मैं हमेशा उनके भले की बातें करना चाहती हूँ, उनके भले के बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अगर हमारा फोकस अगर ऐसा ही रहा कि ये जो सारी समस्याएं हैं वो उन आसपास के लोगों की वजह से हो रही है, तो हम कभी भी एंजाइटी से बाहर नहीं आ सकते, हम कभी भी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते। मैं कह रहा हूँ कि 10 साल तो क्या आपको 20-25-30 साल या हो सकता है पूरी ज़िंदगी आपको इलाज लेना पड़े, आप इस एंजाइटी से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो गलत जगह पर, हम गलत चाबी यूज़ कर रहे हैं उस ताले को खोलने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये समस्या से बाहर आए, तो सबसे पहला कार्य हमारा जो फोकस है वो सही जगह पे हो। ये इस पे ना हो कि आसपास की चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये प्रॉब्लम्स हमारी वजह से हो रही है, हमें अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रखी है और मुझे जुकाम लग रहा है और मैं बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि मुझे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो क्या मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान बाहर जो ठंड है उसको थोड़ा कम कर दो ताकि मैं बाहर आराम से निकल पाऊँ? दोस्तों, ये एक गलत लॉजिक है, एक गलत तरीका है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी, आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो और ज़्यादा बिगड़ता जाएगा। वहां तो हमें यह करना पड़ेगा कि मुझे खुद को ही कुछ जैकेट या कुछ स्वेटर मुझे खुद को पहननी पड़ेगी ताकि मैं अपने आप को सर्दी से बचा सकूं। मतलब जो उपाय है मुझे खुद को अपनी तरफ से करने पड़ेंगे, मुझे सिचुएशंस के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर कुछ नहीं करना, मुझे खुद के ऊपर इस चीज के ऊपर वर्कअप करना है। तो सबसे पहला जो फोकस है वो खुद के ऊपर लेके आए, आसपास के लोगों से अपना ध्यान हटाएं। अगर हमारा ये ध्यान हमेशा ऐसा ही रहा कि इन सब की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहला कार्य यही कि अपना फोकस चेंज करें, अपना फोकस राइट प्रॉब्लम्स की साइड लेके जाएं, अपने ऊपर लेके आए कि कहीं मेरे गड़बड़ की वजह से तो ये सारा कुछ नहीं हो रहा, इस चीज को रियलाइज करें। और दूसरा जो काम है वो ये करें कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आए।
एक्सेप्टेंस कुछ ऐसे कि आसपास जितने भी आपके लोग हैं उनका जो भी बिहेवियर है उसके प्रति अपने अंदर एक स्वीकृति प्रदान करें, उनके बिहेवियर के प्रति एक्सेप्टेंस लेके आए कि वो जैसे हैं वो वैसे बढ़िया है। अगर हम उनको वो जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम उनसे जुड़ी हुई किसी भी बात के अंदर फंसेंगे नहीं, किसी उधेड़बुन के अंदर फंसेंगे नहीं। दरअसल हम किसी भी व्यक्ति को जो उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है उस रियल पर्सनैलिटी को हम नहीं जानते। हम जानते हैं सिर्फ हमारी उसके बारे में क्या राय बनी हुई है, हमारा उसके बारे में परसेप्शन क्या है, उस परसेप्शन के आधार पर हम उसको जानते हैं। तो उसका जो भी हमारे प्रति बिहेवियर होता है हम उस बिहेवियर को अपने परसेप्शन के आधार पर ही जस्टिफाई करते हैं और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमें अगर उसको जस्टिफाई करना है तो उसका जो रियल एक्चुअल जो पर्सनैलिटी है उसके आधार पर हमें उसे जस्टिफाई करना चाहिए। और रियल पर्सनैलिटी को जानने के लिए हमें उसे समझना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रति उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में एक्चुअल ओपिनियन दे पाएंगे। लेकिन हम ओपिनियन दे देते हैं हमारे खुद के परसेप्शन के आधार पर कि हमें पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ या कुछ दूसरे लोगों के साथ हमें क्या अनुभव हुए, उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम हर चीज को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये हमारा परसेप्शन है। दोस्तों मैं यहां ये नहीं कह रहा कि सामने वाले गलत है या आप गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर परसेप्शन राइट डायरेक्शन में नहीं है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल हमें जब किसी सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, हम वहां की आंसर्स जानना चाहते हैं कि सामने वाले ने ऐसा बिहेव क्यों किया, तो वो आंसर्स जब हमें पता नहीं होते तो हम अपनी तरफ से कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं उस गैप को फिलअप करने के लिए। अब उस गैप को फिलअप करने के लिए हम अगर नेगेटिवली परसीव कर लें तो उस पर्सन के लिए हमारे मन में नकारात्मकता आ जाती है और हम यूं समझने लग जाते हैं कि ये नकारात्मकता उसकी वजह से है, ये हमारी वजह से नहीं है, हमारे परसेप्शन की वजह से नहीं है। तब से एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इस परसेप्शन को लेके हम कहीं पे भी चले जाएं, इस परसेप्शन को लेके आप चाहे बीकानेर में रहो, चाहे जयपुर में, चाहे राजस्थान से बाहर, चाहे आप इंडिया में कहीं पे भी रहो या इंडिया से बाहर किसी भी देश में चले जाओ, ये परसेप्शन अगर आपके साथ है तो आपको किसी भी जगह पर एंजाइटी हो सकती है। अगर इस तरह का परसेप्शन है कि आसपास की सिचुएशंस की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर ये परसेप्शन हमारे साथ रहेगा तो प्रॉब्लम्स हमेशा परसिस्ट करेगी, हमेशा रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर आए, सबसे पहला अपनी प्रॉब्लम को सही वे में आइडेंटिफाई करें, दूसरा जो एंजाइटी जो हो रही है उसका फोकस एक्सटर्नल सिचुएशंस नहीं है, इसमें हमारी तरफ से ही कुछ गड़बड़ है, हम ही कुछ एडजस्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशंस के साथ, क्योंकि परमात्मा ने सिचुएशंस को ऐसा नहीं बनाया। जैसे टाइम कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, परमात्मा ने भी हमको वैसा ही बनाया कि हम भी कंटिन्यूअसली फ्लो करें, लेकिन जब हम उस फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उस फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते तो हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समय के साथ जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उन घटनाक्रमों को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उस अंडरस्टैंड नहीं कर पाने की वजह से हम कुछ अपना इमेजिनेशन, अपना कुछ अज्यूम्ड जो पार्ट है वो उस खालीपन को भरने के लिए यूज करते हैं और वहां पे अगर हमारा नेगेटिव इमेजिनेशन हो गया, नेगेटिव परसेप्शन हो गया, फिर सारा मामला गड़बड़, फिर एंजाइटी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अपना जो सेकंड जो है कि जो फोकस है वो अपने ऊपर करें और थर्ड अपना जो परसेप्शन है उसको करेक्ट करें, लोगों के प्रति अपनी एक्सेप्टेंस को स्ट्रांग करें कि जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही हैं, हमें उनको नहीं बदलना। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को बदल देना और इस दुनिया का सबसे आसान काम है खुद को बदल लेना। खुद को बदलने का मतलब ये नहीं है कि अपनी पर्सनैलिटी को बदल लेना, अपने परसेप्शन को बदल लेना, अपने दृष्टिकोण को सुधार लेना। दोस्तों अगर हमने हमारे परसेप्शन को सुधार लिया, अगर हमने इसके ऊपर वर्कअप किया तो हमें एंजाइटी से बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आपको रोकेगी नहीं, कोई भी चीज आपको परेशान करेगी नहीं अगर हमने हमारे परसेप्शन को सुधार लिया। किसी की भी बात हमें नहीं चुभेगी, किसी की भी बात हमें बुरी नहीं लगेगी अगर हमने हमारे परसेप्शन को सुधार लिया। तो दोस्तों इस चीज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूं ये सिर्फ जानकारी है। जानकारी स्किल का जब रूप लेती है तो उसमें समय लगता है, उसमें टाइम लगता है। तो इस चीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। सबसे पहला, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, सबसे पहला आप ये ध्यान रखें कि एक्चुअल एंजाइटी की प्रॉब्लम क्या है। दूसरा,
अपना फोकस चेंज करें कि सिचुएशंस जैसी है वैसी बढ़िया है, मुझे मेरे अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और तीसरा, लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें कि वो जो जैसे हैं वो वैसे बढ़िया है। और चौथा, अपने परसेप्शन को करेक्ट करें, अपने दृष्टिकोण को सुधारें। अपना परसेप्शन बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये चार काम बहुत अच्छे से किए और इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस हर दिन बहुत जरूरी है, हर घंटे बहुत जरूरी है, हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण करना बहुत जरूरी है। हम जब इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस करते जाएंगे, धीरे धीरे ये जानकारी हमारी स्किल बनती जाएगी। और एक बार अगर हमारी स्किल बन गई, तब हम इन चीजों के अंदर नहीं उलझेंगे, हम इन चीजों के अंदर नहीं फंसेंगे। तो अपने व्यक्तित्व के अंदर एक नया गुण ऐड करें, अपने परसेप्शन को करेक्ट करें, एक्सेप्टेंस पैदा करें, अपना फोकस चेंज करें और राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। दोस्तों, ये चारों चीजें करके आप जो ये 10 साल की एंजाइटी है, इस एंजाइटी से आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है और जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है DRK TV, और कन्हैया कछावा नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।